तो आगे आप लोग कैसे हो? आप लोग बिल्कुल अच्छे हो गए है ना? इंतज़ार, हाँ मुझे पता है इंतज़ार होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपके ही भरोसे पर, आपके ही इंतज़ार करने पर मैं फिर से हाजिर हुआ आपके सामने। मेरा नाम अभी, नाम क्या करोगे जान के, काम तो देख ही रहे हो ना। तो चलो, अभी जस्टिफाई क्लास में आपका स्वागत है, चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नाम जिसको पता होगा मेरा बता देना अपने आप से, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, ये हमारे पास कुछ हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें हमें RHS साइट दे रखा है और हमें LHS साइट प्रूफ करना है। तो इन सब के सब क्वेश्चन में हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसे हम यूज करेंगे। सबकी पावर 3 है, सबकी पावर 3 है, सबकी पावर 3 है, बीच में दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है। अरे यहाँ पर माइनस हो गया जी, फिर भी यही होगा जी। हाँ, फिर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। आप बताता हूँ कैसे। अगर यहाँ पर प्लस है तो सब में प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो सब में माइनस लगा दो। यानी हमारे साथ यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 6 एंड आइडेंटिटी नंबर 7 दोनों हमने यहाँ पर एक ही आइडेंटिटी से सीख लिया। समझ में आई बात? तो आओ इसी का यूज करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, जो है 2x प्लस में 1 का क्यूब। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1। समझ गए होगे, आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे मैंने करा रखा है, भले ही आइडेंटिटी चेंज हो। कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। 2x का क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 2x इंटू में 1 और यहाँ पर 2x और यहाँ पर प्लस में 1, ये हो गया। आओ इसे करते हैं, देखो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 और x का क्यूब प्लस में 1 का 1 इंटू में 3 2 जा 6 1 जा 6, यानी 6x और ये रहा ब्रेकेट में 2x प्लस में 1। इसे भी ओपन करना है, तो देखो 8x का क्यूब प्लस में 6, ये 1 है तो 1 को 1 ही लिख दो, प्लस में 6 2 जा 12, x का x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस में 6 का 1 से मल्टीप्लाई तो 6x। तो बताओ अब क्या करो, इसे एक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो। कैसा डिक्रीजिंग कैसा इंक्रीजिंग, पावर देखो जिसकी सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर डिजिट आती है तो उसे लिख लो। तो आओ एक तरीके से इसको लिख दो, वैसे आंसर ये भी है, लेकिन हम इसे अच्छे से लिखने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। प्लस में 12x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसलिए मैं 6x लिख देता हूँ, लास्ट में 1 डिजिट। देखो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया बहुत ही ईजी से। समझ में आया क्वेश्चन? कुछ करना ही नहीं। अरे जी समझना क्या है, हो गया ना पहले से ही। वाह मुझे पता था, क्लैपिंग पहले से ही हो गया आपका। चलो कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसका मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, वो है सेकंड, वो आप लोग करोगे। जी हाँ करोगे, बिल्कुल करोगे। उसका आंसर मुझे कहाँ दोगे, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो, यानी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप मुझे दोगे, ठीक है। फोटोज किसके भेज दो, वहाँ वो भी काम सही है। आ जाओ थर्ड वाला देखता हूँ, इसमें क्या है। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो 3/2x प्लस में 1 का क्यूब, इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जहाँ जहाँ x होगा फॉर्मूले में वहाँ 3/2x का क्यूब करेंगे, प्लस में जहाँ जहाँ ये y होगा वहाँ वहाँ 1 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू में x की जगह पर क्या है 3/2x और इंटू में 1, ब्रेकेट में क्या होगा 3/2x प्लस में 1। बात समझ में आई? अच्छा अब क्या करो, इसे ओपन करो। तो देखो जब पावर किसी की 3 हो तो ये 3 इस पर भी मार जाएगा और ये 3 इस पर भी मार जाएगा और ये 3 इस पर भी मार जाएगा, सब पे वो अपना अधिकार जमाएगा। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 और x की पावर 3 प्लस में 1 प्लस में ये देखो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/2। अरे क्या करो, ये इसके साथ क्यों नहीं हुआ? अजी नहीं होता, किसी डिजिट के आगे अगर नीचे में कुछ नहीं है, 1 लिखोगे तो 1 का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए मैंने किया। ऐसा मत कर देना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या होगा 3/2x प्लस में 1, अजी ब्रेकेट भी तो खोलना है हमने, आज आप ब्रेकेट भी देखते हैं ओपन करके। तो क्या होगा 27/8x का क्यूब प्लस में 1 प्लस में 9/2, अच्छा कर लो या अच्छा लो लिख लो, इंटू में 3/2x और क्या है फिर इसका इससे
तो वही चीज आ जाएगा 9/2x। यही एक टर्म और बचा है, इसे भी सॉल्व कर लो, 27/8x³+1+ देखो 9 3 जा 27 2 2 जा 4 है ना, x का टेबल नहीं पढ़े हो क्या, x1 जा x, x2 जा x² x3 जा x^3 है ना, तो वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ x का स्क्वायर पढ़ लो 9/2x। ये देखो आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, इसे भी हम क्या सीक्वेंस में ऑलरेडी है, देखो 3 2 1 समझ में आई बात। ये देखो कुछ करना ही नहीं है, हमारे पास सारा आंसर ऑलरेडी है। देखो अभी एक चीज़ देखो, जब हमारे पास RHS था तो हमारा LHS तो देखो इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंड फॉर्म में हमने कर दिया, लेकिन सोचो अगर हमारे पास LHS दिया है तो हमें RHS कैसे लाएंगे। ठीक है, हमारे मन में एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि अगर हमारे पास RHS है तो ये टर्म कैसे आएंगे। तो उसके लिए परेशान ना हो, मैं RHS से LHS पढ़ा रहा हूँ, फिर LHS से RHS भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाऊंगा। टफ होगा पहली बार में, लेकिन उसके बाद इजी हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो। अभी एक क्वेश्चन और है, इसे मैं करवाता हूँ, इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। इस चैप्टर को मैं बिल्कुल, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल इजी से थोड़ा टाइम लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, जो मैं बीच में टाइम अगर देता हूँ तो ये मत समझो कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ, मैं अपडेटेड हूँ, ये देखने के लिए कि कौन सा बच्चा कर रहा है, कौन सा बच्चा मुझे आंसर दे रहा है ना। रेफरेंस बुक इसके साथ आप RD शर्मा या RS अग्रवाल लेकर के जितना मैंने बताया है इस पर क्वेश्चन किया करो। बात समझ में आई, ये तो एक क्वेश्चन का ऐसा है कि NCERT में कि आपको एक थ्योरी है, उस थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है, ये टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और उन सब बुक में इनसे आसान आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हूँ बताने के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख डालते हैं। आओ ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बहुत एकदम एटीट्यूड में बैठा हुआ है कि आ जाओ मुझको सॉल्व करो। अभी मैं इसका एटीट्यूड निकालता हूँ, आ जाओ दिखाता हूँ कैसे होगा। चलो फॉर्मूला तो अब तो याद हो ही गया होगा, तो इसलिए मैं बिना फॉर्मूले को लिखे करता हूँ। ठीक है, ये देखो चौक बिना डुप्लीकेट से बाद में हाथ में आ जा रहा है ना। चलो हटो, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, x³ है ना, माइनस टर्म है, मैंने बताया था सब जगह माइनस होगा, तो 2/3y³ है ना, इसके बाद माइनस में 3 × x क्या है, x है, और मल्टीप्लाई 2/3y क्या करो, -2/3। अजी नहीं, माइनस तो फॉर्मूले में है, हमने यहाँ पर सिर्फ इस डिजिट को लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, फिर ब्रैकेट में होगा x-2/3y। बात समझ में आई, x-3y बात समझ में आई, x-2/3y बात समझ में आई। चुप रहो, गाना मत गाया करो, आ जाओ फिर देखते हैं। x³ माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और y³ फिर y के टेबल ही बता दो क्या, अरे y बन जा y, y² y³ है ना, y² y³ कुछ भी है ना। इसके बाद देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2xy, इतना ही तो बचेगा है ना, यहाँ पर आया x-2/3y। अब क्या करो, इसे भी अंदर कर डालो, 8/27y³ -++ यहाँ पर 2xx² y-± + 2 2 जा 4/3x और y दो बार है, y² ये रहा आंसर। ठीक है, चलो एक बात देखो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि जी हमने इससे तो ऐसा कर दिया, लेकिन इससे ऐसा लाने के लिए चलो बताओ, हम प्लस वाले में तो बड़ा इजी था, और इजी इस बात के लिए था कि वहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, लेकिन अगर हम इससे ऊपर ऊपर चलेंगे तो जो टर्म गायब हो गया उस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे
है ना। अरे ये तो एक सीढ़ी है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन जब ऊपर चढ़ना होगा तब भी तो सीढ़ी बराबर होनी चाहिए। अगर सीढ़ी यहाँ पर टूटी हुई है तो हम कैसे आगे पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मैं पहुँचाऊँगा, बात को मानो, मैं पहुँचाऊँगा और आप पहुँचोगे, तो ठीक है, टेंशन मत लो। इसी के साथ बने रहो अभी जस्टिफाई क्लासेस में, बिल्कुल अपडेट रहो और मेरे साथ आगे बढ़ते रहो। और हाँ, मुझे क्या करो, मोटिवेट करो, कैसे करके, शेयर करके, वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ मेरा, ठीक है। जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ेंगे मुझे और मोटिवेट मिलेगा। नाइन्थ क्लास के बच्चे बड़े कम हैं, और फिर भी जितने भी हो, अगर नाइन है तो नाइन नाइन को शेयर करो, फिर नाइन आगे शेयर करो। करने से क्या होगा, मुझे देखो पता क्या चल रहा है, मुझे व्यूवर्स बहुत कम दिखा रहे हैं, 9, 12, 15 इतने इतने व्यूवर्स नाइन्थ क्लास में मेरे जा रहे हैं, जबकि ग्रामर के व्यूवर्स देख लो 240, 360 इतने इतने तक गए हैं, ठीक है, 360 भी कम बोल रहा हूँ, 600 तक गए हैं, ठीक है। तो देख लो, करो कुछ ऐसा कि मुझे नाइन्थ में भी इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, मैं नाइन्थ को भी बिल्कुल मोटिवेट होकर के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँ, अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा करोगे तो मैं लगातार कॉन्टिन्यू में बना रहूँगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, और हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट करो। बाय बाय, टेक केयर।